हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जीके भारत। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर एंड स्मृति ईरानी। सो वन बाय वन पहले मैं इनकी मिनिस्ट्री आपको बता दूं। निर्मला सीतारमन जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जो हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, साथ ही साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है इनके पास, और प्रकाश जावड़ेकर जो है मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन हैं, और स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं। तो GST काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारमन, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही GST काउंसिल का चेयरमैन होता है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये GST काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है। तो यहाँ पर इसके 33 मेंबर्स होते हैं, जो 33 मेंबर्स में से जो दो मेंबर्स होते हैं इसके वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, 28 स्टेट्स से होते हैं, यानी हर स्टेट से एक जो इसका स्टेट का जो चेयरमैन होता है GST का वो होता है, प्लस 3 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। तो इसके कुल मिला के जो 33 मेंबर्स होते हैं गवर्निंग बॉडी में होते हैं, 2 जो होते हैं वो सेंट्रल से होते हैं, 28 स्टेट से होते हैं, 3 जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में जो GST डे मनाया जाता है वो किस डेट को मनाया जाता है। आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, H1B वीज़ा इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, एंड योर ऑप्शंस आर USA, UK, रशिया और UAE। सो इन चार ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर जो है वो पिक करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि H1B जो वीज़ा होता है वो किसको दिया जाता है। ये जो दिया जाता है वो वर्कर्स या सर्विसमैन को दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स के बाद इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं 6 ईयर्स तक, और 6 ईयर के बाद इसको फिर जो है रीअप्लाई किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो H1B वीज़ा जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देती है दूसरे मुल्क के लोगों को, और साथ ही साथ इसके साथ H1A वीज़ा भी देती है जो कि वो नर्सिस के लिए होता है। सो H1B जो होता है वो वर्कर सर्विसमैन के लिए होता है, H1A जो होता है वो नर्सिस के लिए होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन। यहाँ पर 3 सर्च इंजन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि सबसे पुराना जो सर्च इंजन है वो कौन सा है। तो ऑप्शंस है गूगल, याहू, यूट्यूब। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल कब इस्टेब्लिश हुआ। गूगल इस्टेब्लिश हुआ 4 सितंबर 1998, याहू जो इस्टेब्लिश हुआ था January 1994, एंड यूट्यूब जो इस्टेब्लिश हुआ था 14 फरवरी 2005। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा याहू। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन विच डेट पाई डे इज सेलिब्रेटेड। तो पाई एक मैथमेटिक टर्म है जो यूज़ होता है, और जिसकी वैल्यू है 3.14 है, जो फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आइंस्टाइन का जो बर्थडे है वो भी अगर आप देखें तो वो 14 मार्च को ही मनाया जाता है। यही वजह है कि 14 मार्च जो है पाई डे मनाया जाता है। इसकी 2 वजह है, लेकिन मैंने आंसर बता दिया आपको, लेकिन इसकी 2 वजह है। एक तो जो पाई की जो वैल्यू है उसके जो फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जिसको हम कहते हैं 3, 1, 4, तो एक तो वो है, दूसरा आइंस्टाइन का बर्थडे जो 14 मार्च को भी मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 मार्च। तो पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 मार्च। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोनेमिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्रोनेमिक्स जो है एक स्टडी है वो किस चीज़ की स्टडी है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ टाइम, स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ रिवर्स। तो वन बाय वन मैं आपको बताना चाहूँगा और नीचे से शुरू करूँगा। स्टडी ऑफ रिवर्स को जो हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ रिवर या रिवर्स बोलते हैं, वो पोटामोलॉजी टर्म है, वो यूज़ होता है। और स्टार्स एक स्पेस का ही पार्ट है, तो स्पेस की जो स्टडी होती है एस्ट्रोनॉमी, ये जो बी और सी को कवर करता है, यानी स्टडी ऑफ स्टार्स हो या स्टडी ऑफ स्पेस हो, ये एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर बचता है एक टर्म, वो है स्टडी ऑफ टाइम, जिसकी हम बात करते हैं क्रोनेमिक्स। और अक्सर आपने टर्म यूज़ भी सुना भी होगा क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी क्रोनेमिक्स यानी स्टडी ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टडी ऑफ टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम CBI कहते हैं, वॉज फाउंडेड। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1941, 1951, 1955 एंड 1960। सो इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इससे पहले मैं आपको तो एक चीज़ और बता दूंगा, जो CBI के पैरलर एक और जो एजेंसी है वो काम करती है, जिसको हम CID कहते हैं। तो CID का फुल फॉर्म है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो 1902 में इस्टेब्लिश हुई थी, और
एक बड़ा जो फ़र्क है दोनों में सीबीआई और सीआईडी में वो यह है कि सीआईडी जो है वो स्टेट लेवल और हाई कोर्ट के अंडर काम करती है, जबकि सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करती है। तो सीबीआई यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1941। और इसका एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जो 1941 में हुआ था। जैसे मैंने बताया सीबीआई जो 1941 में हुआ, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था। 1963 में ये सीबीआई बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, एच जे कानिया, के सी नियोगी, सुकुमार सेन और जॉन मथाई। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एच जे कानिया जो थे हमारे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो एच जे कानिया थे 1950 में, और के सी नियोगी थे जो सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे 1949 में, सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 1950 में। सो यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है, वो है जॉन मथाई, जो कि फर्स्ट रेल मिनिस्टर थे 15 अगस्त 1948 में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 7.4, 8.5, 2.4 और 7.0। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो जिसने डिस्कवरी की थी ये पीएच वैल्यू की, वो उसका नाम था सोरेन पेडर लॉरिट्स सोरेनसन। तो इन्होंने जो है पीएच वैल्यू, जो हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएच वैल्यू की बात करते हैं, वो सोरेनसन ने दी थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है वो 8.5 दिया गया है, जो कि सी वाटर का है, और इन चार ऑप्शन में जो सबसे कम है वो 2.4, जो कि लेमन का होता है, 7.0 जो होता है वो साल्ट का होता है, और तो यहाँ पर एक ही बचता है, दैट इज़ 7.4, जो कि ब्लड का होता है और आँख से निकलने वाले आंसू का होता है, जिसको हम टीयर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए, 7.4। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बाय एन इंडियन। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पूछा है, लेकिन साथ साथ में ये पूछा है कि बाय एन इंडियन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सम्मत कौमुदी, मीरातुल अखबार, दिग्दर्शन या डी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो दिग्दर्शन था वो सबसे पहले हुआ था वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, लेकिन इसको किसी इंडियन ने नहीं दिया था, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं बनता है। हाँ, अगर किसी ने ये पूछा होता विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो हम दिग्दर्शन को कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिग्दर्शन क्योंकि 1818 में ये मिशनरीज ने दिया था, तो बाय एन इंडियन नहीं हो सकता ये। हाँ, सेकंड जो आता है वो सम्मत कौमुदी है, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने दिया था 1821 में, और दूसरा जो है मीरातुल अखबार, जो 1822 में दिया था बाय राजा राम मोहन रॉय ने। तो 1821 यहाँ पर सम्मत कौमुदी विल बी द राइट आंसर। तो सम्मत कौमुदी जो है कि बंगाली न्यूज़पेपर था, राजा राम मोहन रॉय ने दिया था, और मीरातुल अखबार जो था एक पर्शियन न्यूज़पेपर था, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने दिया था 1822 में। तो यहाँ पर सम्मत कौमुदी जो है एक बंगाली न्यूज़पेपर है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए, सम्मत कौमुदी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कमिंग वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलती रहे, उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कोविड 19 केस डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो ये चार ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।